हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए हर एग्ज़ाम के एनालाइज लेके आते हैं। अभी तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी एग्ज़ाम हो नहीं रही थे, लेकिन अभी सबसे पहला एग्ज़ाम अभी देखने को मिला है, एयरफोर्स एक्स वाई का मिला था देखने को। तो मेरे एक व्यूअर्स आपको मिलवाता हूँ जो एग्ज़ाम देकर आए हैं और काफ़ी इनका अच्छा एग्ज़ाम गया है, ये अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। तो चलिए, इनका नाम है सनी कुमार, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। तो सनी कुमार, तो बताइए क्या हाल चाल है आपका? सर, पहले तो आपका थैंक यू। और मेरा हाल चाल बढ़िया है। और आप अपना बताइए। मेरा भी ठीक है। तो चल सनी कुमार, आपने एग्ज़ाम तो दिया है जो, तो उसको बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसा आपको पहले, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट, आई सी होप आपका फर्स्ट अटैम्प्ट जी होगा जी ये, सर, फर्स्ट अटैम्प्ट। तो चलिए बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट देने सर, का। जो आपका सबसे पहले तो आपका थैंक यू कि सर आपने जो हमें टेस्ट मतलब जो सीरीज़ चलाई उसमें मुझे काफ़ी हेल्पफुल मिला। और मैथ्स के क्वेश्चंस और जो जीके क्वेश्चन थे और जो रीजनिंग थे सबसे हेल्पफुल रहे आपके जितने भी थे, क्योंकि जो है आपने क्वेश्चंस कराए थे जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन थे जो मुझे करने में बहुत मज़ा आया और मैंने किया भी। और तो चलिए आप बताइए जीके के कौन से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिला जो डायरेक्ट हमारी क्लास से भी हो सकते होंगे शायद, तो अगर आपको होगा कोई क्वेश्चन पता हो तो बताइए। सर देखिए, पहले तो जो जीके क्वेश्चंस थे उसमें से एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन थे जो आपने कराए थे वो आए थे। और मतलब ये है कि आपने जो जीके क्वेश्चन कराए थे मुझे बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं कर गया था पेपर से कुछ दिन पहले, मतलब रीड आउट भी किया था आपके जो है, तो उसमें से जो है काफ़ी आसानी हुई और क्वेश्चंस आए भी थे और मैंने किए भी। तो सबसे पहले कि आपका थैंक। कौन सा क्वेश्चन था आपका जो पहले देखने को मिला जो एग्जैक्ट जो हमारी क्लास में है? पहले तो सर ये था कि जो सबसे पहला क्वेश्चन था जो आपके क्लासेस में मैंने किया था वो था जो सबसे पहले कि अपना जो पहले राष्ट्रपति कौन से हैं और नेशनल एनिमल जो है अपने इंडिया का, ये दो और एक दो क्वेश्चन थे जो भाई मेरे दिमाग में नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो अच्छा ठीक है, चलिए। करंट अफेयर्स भी आप डेली व्यू करते होंगे हमारे चैनल का, करंट अफेयर्स का सेशन काफ़ी अच्छा रहता भी है, काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आता है। तो आप बताइए करंट अफेयर कुछ देखने को मिला है जो अब रागा बोल रहे हैं, तो रागा के अंडर जो आता है। तो सर जो करंट अफेयर्स में से भी देखने को मिले थे ये क्वेश्चंस जो थे, अब ये तो नहीं कि सब आएंगे लेकिन आपने कराया था तो आए। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन आपको याद नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन याद नहीं, लेकिन हाँ अभी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा वीडियो। मैथ के भी क्लास आप देखते होंगे, मैथ में कुछ रहे चैप्टर के नाम बता सकते हैं, किस चैप्टर से देखने को मिले? मैथ्स का सर रेशियो प्रोपोर्शनल जो चैप्टर था उसमें से आए थे, और प्रॉफिट लॉस का भी आया था और ट्रिग्नोमेट्री, इनमें से सिंपल इंटरेस्ट जो था प्रॉफिट लॉस का इसमें से आए थे एक एक क्वेश्चंस जो कि हेल्पफुल थे। आपने कराया था तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कर लिया था सॉल्व, जो काफ़ी मज़ा आया था। 30 सेकंड के अंदर ही मैंने सॉल्व कर लिया था जैसे आपने ट्रिक बताया था अपने वीडियो में। तो कैसा आपका एग्ज़ाम हो गया, कैसा मतलब आपको लगा कि आपको हो जाएगा क्वालिफाई, कितने अटैम्प्ट किया आपने बताइए, टोटल कितने अटैम्प्ट हुआ आपका? मैंने 100 में से 98 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट कर दिए हैं। तो और आपका 98 का 98 आप एक्यूरेट किए हैं क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि 98 में से आप कितना 90 के अब या मतलब 80 या 90 के बीच में आपका रेशो रहने वाला है ठीक होने का, प्रैक्टिस में? मुझे पूरा उम्मीद है कि जो मेरा 80 से 90 के बीच बीच में ही रहने वाला है। तो ठीक है, तो आपका यानी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा, यानी आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर लेंगे? जी जी बिल्कुल सर, आपके सर जो सब हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है सर। आपने सीरीज़ चलाई उसको मैंने देखा, रोज़ फॉलो किया, जिसकी वजह से जो है मैं आज अच्छा नंबर लाने की उम्मीद कर रहा हूँ कि 80 से 90 के बीच में मेरे आ जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और अच्छे से सेटअप बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम हाल ही में मतलब बहुत जल्दी जल्दी में सेटअप बनाना पड़ा, आप अचानक से आ गए, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं था, आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं रनिंग वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह में ध्यान है आपका, लेकिन अचानक से आप आ गए। तो अचानक से कोई बात नहीं, अगर आपको क्वालिफाई होता है तो हम आपके लिए अच्छा सेटअप बना के आपका इंटरव्यू कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं सनी कुमार, तो ये ऑफलाइन क्लास में भी आते हैं और ऑनलाइन क्लास में भी व्यूअर हैं, लगातार देखते हैं, आप भी देखते होंगे वीडियो हमारे, तो आपको भी लगता होगा। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए और इस तरह के एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।